पुलिस की जांच में विकास दुबे, उसकी पत्नी, पिता समेत परिवार के 6 लोगों के नाम से असलहा लाइसेंस जारी होने का सच सामने आया। सभी ने अपने अपराध छिपाकर 3 लखनऊ और 3 लाइसेंस कानपुर से बनवाए थे। पुलिस ने इन सभी असलहों को निरस्त करने की संस्तुति की है। इस बात की जांच की जा रही है कि इतने मुकदमे दर्ज होने के बावजूद विकास और उसके परिवार के नाम 6 लाइसेंस कैसे जारी हो गए। एसएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि जांच में विकास दुबे की पत्नी ऋचा, पिता राम कुमार, भाई दीपू दुबे, अंजलि दुबे और नौकर दयाशंकर के नाम से शस्त्र लाइसेंस जारी हुए हैं। इनमें से ऋचा, दीपू और अंजलि का लखनऊ से शस्त्र लाइसेंस बना है। एसएसपी के मुताबिक विकास दुबे, राम कुमार और दयाशंकर के लाइसेंस कानपुर से बने थे। इन सभी शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट भेजी गई है। इसके साथ ये भी जांच की जा रही है कि आपराधिक बैकग्राउंड होने के बाद भी परिवार में 6 शस्त्र लाइसेंस कैसे बन गए थे। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपराधी और उसके परिवार के पास 6 शस्त्र लाइसेंस होने का मतलब नियमों को ताक पर रखकर सभी काम किए गए हैं।